Welcome to entrance test. In this video we will learn how to solve this question. Pick out the correct statement. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो statements दिए हैं 1, 2, 3, 4 इनमें से हमें जो correct है यानी सही है वो select करना है. अब हम statements देखते हैं. First कह रहा है chitin is a homopolymer. तो ये statement जो है ये incorrect है because chitin की यदि हम बात करें तो it is a heteropolysaccharide. It is not a homopolymer. जो कि पाया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोस इन फंजाई एंड ऑल्सो एज काइटिन ओनली इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है. बी हमें कह रहा है कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज कोलाजन की यदि हम बात करें तो ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है ओनली इन द एनिमल वर्ल्ड. Whereas, यदि हम होल बायोस्फीयर की बात करें तो जो RuBisCO नाम का एक एंजाइम होता है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर. थर्ड हमें कह रहा है प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वाया स्पेसिफिक बॉन्ड्स जिन्हें कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. लास्ट हमें कह रहा है इन अ पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. वेयर एज ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये हमें न्यूक्लियोटाइड के बीच में देखने को मिलता है इन DNA एंड RNA. यानी क्वेश्चन में हमें सेलेक्ट करना था करेक्ट स्टेटमेंट. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन C हमें दिया हुआ है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर दैट इज प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो दिस इज आवर आंसर ऑप्शन C. Thank you for watching this video and keep visiting our platform entrancetest.online for more such interesting videos.